एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं। तो जी, सुबह का टाइम है और हम आए हुए हैं यूनिवर्सिटी। यहाँ कुछ काम था मुझे, तो अनूप को जाना था चंडीगढ़, तो वो मुझे लेते हुए आ गए कि चल तू अपना भी काम कर ना। काफ़ी दिन से सोच रहे थे इधर आने का, पर वही है, टाइम नहीं निकलता। इधर रूट चेंज करने में टाइम लग ही जाता है। तो अभी हम गए थे अंदर, लेकिन पता लगा यहाँ पे एंट्री का टाइम है 11 से लेकर 4 बजे तक ही हम कोई अपना काम करवा सकते हैं, उससे पहले या उसके बाद नहीं। हम आए तो पहले भी हैं काफ़ी, पर ये चीज़ तो मैंने पहली बार ही नोटिस की है, क्योंकि पहले मैंने देखा था शाम को पाँच बजे तक का एंट्री का टाइम होता था। हम पहले भी आए थे जब, तो इस बार और भी कम कर दिया, 4 बजे का कर दिया। तो हमारा तो कैसे भी दुख नहीं लग रहा, तो हमें वेट करना ही पड़ेगा और कुछ नहीं कर सकते। फिर अनूप को चंडीगढ़ थोड़ा लेट पहुँचेंगे, यहाँ से लेट फ्री हुए तो चलो देखते हैं जो भी होता है। अनूगा चल दयामी कर रहा, अंबेडकर है ना ही वो। अपने पार्टनर से प्यार करते वक्त सोचा था क्योंकि लिए दूरियां जरूरी है। रिश्ता शुरू होता है तो हम एक दूसरे की कोशिश करते हैं, एक दूसरे के बारे की समझने की कोशिश करते हैं, उनसे प्यार करते हैं, उनके बारे में। सो कुरुक्षेत्र का काम निपटाकर हम चल दिए हैं आगे। आगे पहले जाएंगे चंडीगढ़, फिर चंडीगढ़ से फिर जाएंगे पंचकुला। सो चंडीगढ़ पास लग रहा है, जीरकपुर आ गया है, तो पुरानी वाली फील आने लगी है। तो तीन चार साल पहले यहीं रहते थे, यहीं से आना जाना होता था काफी ज्यादा। कोस्मो आ गया जब यहाँ पे रहते थे चंडीगढ़ में, तो इधर हम शॉपिंग करने के लिए आते थे, मैं और अनूप काफ़ी यहीं से लेके जाते थे, जो कुछ लेके जाते थे। चंडीगढ़ से बाहर है ये, तो कमेंट करके ज़रूर बताना ये जो हाथ से बना हुआ है किस चीज़ का सिंबल है यहाँ पे। ये चंडीगढ़ में हर जगह बना हुआ है। सो गाइस, हम ढूंढ रहे हैं बहुत देर से कैफे या रेस्टोरेंट कोई अच्छा सा, भूख लगी बहुत जोर की, तो फाइनली हमें ये रेस्टोरेंट मिल गया। इसका एक्सटीरियर तो बहुत अच्छा है, इंटीरियर देखते हैं। तो यहीं हमने गाड़ी के ब्रेक मार दिए कि यहाँ देखते हैं क्या रहेगा, कैसा रहेगा। बाहर से तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो अभी अंदर जाएंगे। ये है इसका एक्सटीरियर, ये बाहर का व्यू, ये है सेक्टर 8 में। सो काफ़ी अच्छा लग रहा है, मुझे तो ऐसी डेकोरेशन बहुत पसंद है। तो अंदर देखते हैं खाना कैसा मिलेगा, इंटीरियर तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो अब इतने सिंपल में थोड़ी ना बैठेंगे, आए तो हम स्पेशल इंटीरियर के लिए ही है, तो हम बैठेंगे यहाँ पे। यहाँ पे काफ़ी अच्छा इंटीरियर हो रखा है। ये वेलकम ड्रिंक, और ये आ गया है स्टार्टर, जो कि बिल में इंक्लूड नहीं होता। ये हम फर्स्ट टाइम आए हैं, तो शायद इन्होंने इसीलिए दिया है, कुछ नहीं पता। आप सबको देते हैं इस बारे में, हमें कुछ नहीं पता, पर ये बिल में इंक्लूड नहीं होता है।
स्क्रीन पे अच्छे अच्छे व्यू चल रहे हैं, अच्छी फील आ रही है। पीछे चल रही है किटी पार्टी और वो बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। और ये आ गया है स्टार्टर जो कि हमने ऑर्डर किया था। स्टार्टर में मंगाया हमने स्प्रिंग रोल जो कि काफी अच्छे से सर्व किया है इन्होंने कुछ अलग तरीके से। तो खाना आ गया, खाना हमने ऑर्डर कर लिया था तो स्टार्टर के बाद अब भूख बिल्कुल भी नहीं रही है। मेरा तो स्टार्टर में ही लगभग पेट भर गया था तो खाना देख के खाना खाने का मन हो ही गया है। खाना काफ़ी अच्छा दिख रहा है तो टेस्ट भी शायद अच्छा ही होगा, दिखने में अच्छा है। तो ड्रिंक में हमने ऑर्डर किया है ओरियो शेक जो कि मुझे बहुत पसंद है, अब इसको टेस्ट करके देखते हैं। खाने के बाद इन्होंने सर्व किया हमें मीठा और मीठे में है कुछ अलग, नाम इन्होंने बताया था लेकिन मैं अभी भूल गई। ये मैंने पहले भी खाया हुआ है, बहुत टेस्टी होता है तो इन्होंने ये अपनी तरफ से ही सर्व किया हमें, ये बिल में इंक्लूड नहीं है। खाने में लास्ट में सब लोग देते हैं मिश्री और सौंफ तो इन्होंने ऐसा ही कुछ दिया है, ये थोड़ा सा अलग है। इसमें है तो मिश्री और सौंफ ही मिक्स पर कुछ अलग तरीके से टॉफी सी बना रखी है उसकी। सो गाइस आज की डेट काफ़ी अच्छी हो गई, ऐसे मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं की थी तो मज़ा आया काफ़ी। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, वो डालती हूँ जल्दी ही।